अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ गिलगित से अब्दुल रहमान बुखारी। इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाके वादी नलतर में मौजूद हूँ। वादी नलतर में आज से 6 रोज़ कबल चीते का एक 6 माह का बच्चा यहाँ मुंतकिल किया गया है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि ये जो चीते का 6 माह का बच्चा है, ये गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला है गज़र, जिसका इलाका है नाज़बर यासीन। वहाँ पर ये चीते का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ कर एक मुकामी शख्स को मिल गया था। और उस मुकामी शख्स ने इसे गिलगित की मार्केट में फरोख किया 2.5 लाख रुपए में, जिसकी इतला महकमा वाइल्ड लाइफ को हुई और उन्होंने एक कार्रवाई करते हुए 3 लोग जो इसको ख़रीदने और बेचने में मुलविस थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और बर्फानी चीते का ये जो बच्चा है, इसे कुदरती माहौल में रखने के लिए यहाँ वादी नलतर मुंतकिल किया गया है। यहाँ पर इसकी देखभाल की जा रही है और रोज़ाना इसे चिकन दिया जा रहा है, मुर्गी का गोश्त इस वक्त लियो यहाँ खा रहा है। और कुदरती माहौल में यहाँ रह रहा है। और इसको देखने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग स्पेशली यहाँ पर आ रहे हैं कि वो लियो से मिलें, लियो को देखें। आपको बताता चलूं कि वादी नलतर में बर्फानी जो चीते हैं, इनका बहाली मरकज कायम किया गया है। और यहाँ पर लियो के अलावा एक और चीता जो है वो तकरीबन 2006 से यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह आपको बताता चलूं कि यहाँ पर मिलने वाला एक बर्फानी चीते का बच्चा जो है वो अमेरिका भी मुंतकिल किया गया और उसके बाद वो दोबारा पाकिस्तान नहीं लाया गया है। गिलगित बल्तिस्तान का शुमार मुल्क के उन इलाकों में होता है जहाँ पर कुदरती जो जंगली हयात है ये बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। इनके मुख्तलिफ इकसाम मौजूद हैं जिनके तहफ़ के लिए गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नेशनल पार्क कायम किए गए हैं। कम्यूनिटी को इस हवाले से आगाही फराहम की जाती है। और ये जो लियो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद और आने वाले दिनों में यहाँ पर बर्फबारी होगी, ये वादी जो है बर्फ़ से ढक जाएगी और एक सर्द और जो कुदरती माहौल इसे चाहिए होता है वो यहाँ इसे मुयसर आएगा। अपने मेज़बान अब्दुलरहमान बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।